बाबा शंकर को काशी नगरी सबसे प्यारा है। तो अपना घर कैलाश पर क्यों बना? कैलाश स्थूल कैलाश पर बनाता है या सूक्ष्म कैलाश है? है? स्थूल स्थूल काशी भी तो है ना, सूक्ष्म काशी। अरे ज्ञान मार्ग में स्थूल बातों को लिया जाता है या सूक्ष्म बातों को लिया जाता है? तो सूक्ष्म कैलाश कौन सा है? ऊंची स्टेज को सूक्ष्म कैलाश कहा गया है या नीचे की स्टेज को कहा गया है? हाँ, तो शंकर याद की ऊंची स्टेज में रहता है, इसलिए कैलाश ही है। हाँ दादा, भाई लोग तो जाते समझ आ रहे हैं अभी सेवा के लिए, उनको क्या कहेंगे? पहला लड़ाई है? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ से डायरेक्शन आया? है कोई है ऐसा जिसके पास लिखित में मधुबन से डायरेक्शन हो? टिकट तुम बीसियों रोज बुक कराओ, वो तुम्हारे पास पैसा है तो तुम बुक कराओगे? हैं? अरे बहन जी और बाबा जी, उनसे पूछोगे बाबा हम शादी करें तो बाबा कहेंगे हाँ करो। बाबा ने तो डायरेक्शन नहीं दिया। बाबा समझते हैं कि बच्चा उतना होशियार है कि बाबा के सामने भी जा करके इतनी हिम्मत रखता है बाबा हम शादी करें तो जरूर बच्चा पावरफुल है। बाबा कहेंगे हाँ करके दिखाओ। बाबा तो चाहते हैं ऐसा बच्चा कोई निकले जो शादी करे और निर्विकारी रह के दिखाए। हाँ, अव्यक्त वाणी में इतना इशारा जरूर दे दिया है, दिल्ली है स्थापनाकारी और बंबई है विनाशकारी और कलकत्ता है आवाज फैलाने वाला। आवाज फैलाने में सहयोगी कलकत्ता रहेगा। तो जिनको जिनको डायरेक्शन मिला है वो दिल पे हाथ रख के देखे हैं, वो डायरेक्शन हर हर बम बम की नगरी से आया है, विनाशकारी नगरी से आया है या दिल्ली से आया है? कुमार तो बीमार नहीं होता है, तो है? बीमार होता है कुमार तो बीमार नहीं होता है। कुमार 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 को बीमार नहीं होता है, उधर कुमार को बीमार होता है। ये क्या बोल रहा है? कुमार को बीमार नहीं होता है, उधर कुमार को बीमारी होता है। आज की दुनिया में कोई पढ़ा लिखा ऐसा कुमार है जो निर्विकारी हो? है कोई? वैसे भी बाबा कहते हैं एक शीतला 100 ब्राह्मणों के बराबर, और भक्ति मार्ग में 7 शीतलाओं के बीच में एक कुमार दिखाते हैं। माना एक कुमार की वैल्यू कितनी हुई? 700 ब्राह्मणों के बराबर। 7 कन्याएं एक तरफ और उनके मुकाबले पुरुषार्थ करने वाला एक कुमार निकलेगा, इससे ज्यादा नहीं निकलेगा। कुमार बाहर की दुनिया की खाक छानते हैं, खास करके भारत में, और कुमारियां है बाहर की दुनिया में खाक छानते हैं या माँ बाप के डायरेक्शन पर अंदर रहते हैं? अंदर रहते हैं। क्या करेगा? वापस परमधाम चले जाएगा है? अरे 69 में
ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, तो जरूर 69 में ही शिव बाबा किसी ब्राह्मण धन में प्रवेश कर जाते हैं। अब ये हो सकता है कि जैसे आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो गर्भपिंड निर्जीव होता है, जीवन होता है उसमें प्रवेश करने से पहले, नहीं होता है। आत्मा प्रवेश करेगी तो धीरे धीरे इंद्रियों में जीवन आएगा ना, संजीवनी आएगी। संजीवनी दवा भी दी जाती है तो तुरंत उठ के खड़ा हो जाएगा या टाइम लगेगा? टाइम लगेगा। तो ऐसे ही 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, एक तरफ शरीर छोड़ा और दूसरी तरफ अव्यक्त वाणी चल गई। उस अव्यक्त वाणी में बता भी दिया इस ब्राह्मण परिवार में वो श्रेष्ठ पार्ट है जो सारे ब्राह्मण परिवार के लिए कल्याणकारी है। तो दुनिया में मौजूद होगा या नहीं होगा? होगा। कितना साल हुआ वो तो प्रजापिता से पूछो जाके, हमें क्या मालूम। हाँ, उसी वर्ष में प्रजापिता वाली आत्मा प्रैक्टिकल में ज्ञान में दिखाई पड़नी चाहिए। अरे जनवरी में शरीर छोड़ा तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर कृष्ण के लिए कहते हैं, और आत्माएं तो 9 महीने में जन्म लेती है और कृष्ण 10 महीना में जाकर के जन्म लिया, तो अक्टूबर भी जोड़ दो। तो इसे साबित होता है कि जरूर नवंबर में वो आत्मा ब्राह्मण परिवार के बीच में प्रत्यक्ष हो गई होगी। और बाबा में जो आत्मा है वो जा रही है चैतन्य परम धाम, 5 तत्वों की तरह जड़ तत्व है या चैतन्य तत्व है? है कैसा तत्व है? जड़ तत्व है। परमधाम घर है, घर चैतन्य नहीं होता है। तो घर में जब आत्माएं पहुंचती हैं तो वो चैतन्य होती हैं या जड़वत होती है? है चैतन्य होती है, आना जाना करती हैं। चैतन्य की परिभाषा भी मुरली में बताई है, जो बोल और चाल करता है, जो बोलता है और हलन चलन भी करता है वो चैतन्य है। तो परमधाम में आत्माएं बोलती हैं, हलन चलन करती हैं, तो परमधाम में आत्माएं जड़वत हैं। इस संसार में वो आत्माएं जब आती हैं तो जागृत अवस्था में आती हैं, जब सो जाते हैं तो जड़वत है, जागृत है या स्वप्नवत है? है परमधाम में जड़वत सुसुप्ति, इस संसार में जन्म ले लिया तो जागृति, और जब सो गए तो स्वप्नवत। ये 3 अवस्थाएं हैं।
और आज का अभी है ना कि अगर बीमारी हो तो भी बाप दादा को याद करोगे तो खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं हो जाएगा, आधा फील होगा, आधी खत्म बीमारी हो जाएगी। पूरा कैसे खत्म होगा? पूरा खुशी रहने के साथ साथ जो वैद्य दवाई देता है उस दवाई को पूरा लो तरीके से, पथ्य अपथ्य का पालन करो। पूरा बाबा की याद से खत्म होगा? नहीं, कितनी ताकत है, इतनी पूरी याद वाले हैं। अगर है तो कोई है, अगर मगर 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 पहले नाम क्या था? ओम राधे था ना, है? माने ओम राधे का जन्म कहाँ हुआ? हाँ, जन्म तो उनका सिंध हैदराबाद में ही हुआ। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ मीसा का टक्कर होगा, ठीक है, तो बाप इधर कुछ हो जाएगा। गीता का भगवान गीता के रहस्य को प्रकट करेगा या जो शैतान है वो गीता के रहस्य को प्रकट करेंगे? है, यज्ञ के आदि में गीता के श्लोक पढ़ करके सुनाए जाते थे और उनका अर्थ किया जाता था। गीता ही सुनाई जाती थी आदि सो अंत, जो गीता के श्लोक हैं वो ईश्वर के अनुसार प्रत्यक्ष हो जाएंगे। जब सब धर्म वाले गीता की टीका अपने तरीके से कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, तो क्या भगवान गीता की टीका अपने तरीके से नहीं कर सकता? जो गीता भगवान के द्वारा ही गाई गई थी, कह समझे कवि, कह समझे रवि, तो 5000 वर्ष पहले भी गीता भगवान ने गाई थी, वो ज्ञान का गीत गाया था। वो ही उसका मर्म जानता था। बीच में गीता की मनुष्यों के अनुसार ढेर की ढेर टीकाएं निकल पड़ी, 108 से भी ज्यादा टीकाएं निकल पड़ी। वो सच्ची होंगी, आपस में दूसरे को क्रॉस करने वाली होंगी, है? सब एक दूसरे को क्रॉस कर देती है। अंत में जब भगवान ही आता है तो वो ही गीता के सच्ची टीका कर सकता है। तो बच्चों के सामने श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों की सच्ची टीका आएगी तो बच्चे उसमें होशियार होंगे या नहीं? दूसरों की सेवा करने के लिए बच्चों को तो भगवान की गीता के गीत मिल चुके, ज्ञान के गीत मिल चुके या नहीं मिल चुके? लेकिन दुनिया के जो भक्त हैं वो कब मानेंगे? वो शास्त्रों के अनुसार मानेंगे या तुम सीधे सीधे कहोगे हमें भगवान मिल गया, भगवान ऐसे कहता है, मानेंगे नहीं मानेंगे? तो शास्त्रों में सर्वशास्त्र शिरोमणि है गीता, गीता के श्लोकों का एक एक श्लोक का अर्थ है जब ईश्वरीय ज्ञान के अनुकूल क्लियर कर देंगे तो सब मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और बाबा
कौन नहीं आते? महाकाली नहीं आती। विनाश उससे कराते हैं जिस पर कोई पाप न लगे। बाबा जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान सत कर्मों के लिए देते हैं कि झूठे कर्मों के लिए देते हैं? और जिसके अंदर पूरा ज्ञान होगा वो सत कर्म ही करेगा या झूठे कर्म करेगा? सत्य कर्म करने वाला संपूर्ण योगी ही होगा या अधूरा योगी होगा? तो एक ही आत्मा है जो सत्य कर्म करने के कारण धर्मराज के रूप में भी संसार के सामने प्रत्यक्ष होती है, सदगुरु के स्वरूप में भी प्रत्यक्ष होती है। और उसके लिए बोला है शंकर विनाश नहीं करता है। करने के लिए कर्मेंद्रियां चाहिए या नहीं चाहिए? है, है? कर्मेंद्रियां चाहिए। और शंकर तो याद में रहता है, याद की शक्ति से एक जगह बैठे बैठे ही कोई भी आत्मा, कोई भी एटम बम बनाने वाले वैज्ञानिक की बुद्धि को प्रेरा का जा सकता है या नहीं प्रेरा जा सकता है? है, प्रेरणा दी जा सकती है। ऐसे ही जगदम्बा का पाठ है। जगदम्बा अष्टदेवों में नहीं आती है। अगर अष्टदेवों में आए तो उस पर कोई पाप नहीं लग सकता। जगदम्बा का पार्ट लक्ष्य पूर्ति का पार्ट नहीं है। लक्ष्य पूर्ति का पार्ट है। लक्ष्य क्या है मनुष्य जीवन का? नारी से लक्ष्मी बनना। तो जगदम्बा लक्ष्य पूर्ति करती है, है? नहीं करती। और जी संपूर्ण संपूर्ण क्या है? स्टेज की यादगार है। हाँ जी, हाँ है। 2000 आत्माएं शिव बन सकती हैं? 2018 में बाप की संपन्नता होगी, है? हाँ। संपूर्णता की यादगार बनाई जाती है, अपूर्णता की यादगार नहीं बनाई जाती है। और यादगार जो बनती है वो पुरुषार्थ के बाद बनती है या पहले ही बन जाती है? हैं? पुरुषार्थ के बाद बनती है। और जो पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ प्रैक्टिस याद करने की धीरे धीरे बढ़ती है कि अचानक बढ़ जाती है? धीरे धीरे बढ़ती है। तो जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी याद की उतना कर्मों में भी सात्विकता आती जाएगी। नहीं तो कर्मेंद्रियां दुख देने वाली जरूर बनेंगी। बाबा भी कहते हैं याद में रहने से तुम्हारी कर्मेंद्रियां कैसी हो जाएंगी? शीतल हो जाएंगी। जैसे बर्फ है, बर्फ शीतल होती है ना,
शीतल होती है तो जाम रहती है या हलन चलन करती है? जाम रहती है, बर्फ। ऐसे ही तुम्हारी इंद्रियां शीतल हो जाएंगी तो चोट मारने वाली रहेंगी क्या? है नहीं, जो चोट मारने वाला होता है वो खुद भी जख्मी होता है कि नहीं? खुद भी जख्मी होता है और दूसरों को भी जख्मी करता है, उसी को विकारी कहा जाता है। कारी माने कर्म करने वाला, विकारी माने विपरीत कर्म करने वाला। तो जितनी जितनी योग की पावर होगी उतनी उतनी इंद्रियों में शीतलता आती जाएगी। और ओम शांति।